भाइयों और बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी हो, श्री कृष्ण की बात हो रही हो और कृष्ण दीवानी मीरा की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम आपसे कहें कि कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्रों को मूंदिए और याद कीजिए मीरा के व्यक्तित्व को, तो बताइए कैसी मूरत गढ़ पाएंगे, कैसी सूरत, कैसी सीरत आंखों के सामने उभर कर आ जाएगी। प्रेम में मगन मीरा, हाथों में कृष्ण मूरत पकड़ी विरहनी मीरा, भीगी पलके लिए एक तारे पर झूमती नाचती भक्तिमती मीरा, यही ना? जी हाँ, इस संसार ने, इस समाज ने आज तक मीरा की कुछ ऐसी ही छवि को अपने जहन में उकेर कर रखा है। पर आपको बताएं, इस संसार में एक ऐसे नारी पुरोधा, एक ऐसे सतगुरु का अवतरण हुआ जिन्होंने मीरा के जीवन के एक छिपे हुए पक्ष को समाज के समक्ष उजागर कर दिया, और वे कोई और नहीं, वे हैं गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी। श्री मारे जी ने मीरा के जीवन के उन पृष्ठों को खोला जिनसे आज तक जो समाज केवल उसे विरहनी मीरा या मेरे तो गिरधर गोपाल कहकर एक तारे पर झूमने वाली मीरा ही समझता रहा, पर महारे जी ने उसके जीवन के उन पृष्ठों को खोल दिया जिनसे ओजस्वी मीरा, वीरांगना मीरा, क्रांतिकारी मीरा, समाज की कुरूतियों पर कुठारा घात करती मीरा समाज के समक्ष प्रकट हो गई। और जानते हैं श्री महारे जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसी से ही श्री महारे जी ने विमेन एम्पावरमेंट की एक बिल्कुल नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन समाज को दे दी। कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण की एक नई इन्वेंशन कर दी। और वो इन्वेंशन क्या है? श्री महारे जी ने कहा कि भक्ति में ही शक्ति है। मीरा के जीवन से श्री महारे जी ने प्रूव कर दिया कि जो आंखें श्री कृष्ण की याद में छलकने का मादा रखती हैं, वही आंखें जन जन की वेदना को देखकर संवेदना से भर सकती हैं। जो हृदय श्री कृष्ण की विरह अग्नि में तपा है, झुलसने की हिम्मत रखता है, वही हृदय इस समाज में भी परिवर्तन की क्रांतिकारी मशाल को प्रज्वलित कर सकता है। यानी भक्ति के आधार पर खड़ी नारी ही सबसे ज्यादा सशक्त है, सबसे ज्यादा सबल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और सजनों, यही है विमेन एम्पावरमेंट की एक बिल्कुल नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन, एक नई इन्वेंशन जो श्री महारे जी ने समाज को दी। हम मीरा के जीवन की एक सुंदर सी घटना लें, बहुत सुंदर घटना आती है। कहते हैं एक बार बड़ी सी सभा लगी हुई थी, शास्त्रीय संगीत के बड़े से बड़े धुरंधर वहां पर मौजूद थे, शानदार आलाप ले रहे थे, ऊंचे से ऊंचे सुरों में गा रहे थे। सुरों के उन्हीं पंडितों के बीच मीरा बाई ने भी अपनी कृष्ण प्रेम की चाशनी में भीगा एक सरस सा, एक मीठा सा पद गुनगुना दिया। जैसे ही सुरों के पंडितों ने सुना, ये क्या, एक पंडित के मुंह से निकला, अरे बाई जी, आपने ये क्या किया, ये कैसा गाया, आपका ये पद ये तो किसी राग में ही नहीं था। मीरा ने सुना, मुस्कुरा दी, और उस समय पूरी आत्मशक्ति से भरकर मीरा ने कहा था, हाँ हाँ, माना मेरा ये पद किसी राग में नहीं था, परंतु पंडित जी, मेरा ये पद अनुराग में अवश्य था, ये कृष्ण के प्रेम से भीगा था, मुझे यकीन है वो मेरे कृष्ण तक अवश्य पहुंच गया होगा, बस बाकी मुझे किसी की चिंता नहीं। उस समय सारी सभा का मुंह खुला का खुला रह गया था, सभा सन्न रह गई थी। ये एक भक्तिमती के अनुराग की, उसके प्रेम की शक्ति थी जिसने वहां बैठे सुरों के पंडितों को ये मानने को मजबूर कर दिया था कि हाँ, हमारे शुष्क शुष्क से सुरों में वो बात कहाँ जो मीरा के भीगे और मीठे से पद में थी। सचनो, ये भक्ति की शक्ति थी। एक तारे पर गलियों में घूम घूम कर गुनगुनाया करती, मोहे ये बदनामी लगती मीठी, मोहे ये बदनामी लगती मीठी,
कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। ना यश की ना अपयश की, ना मान की ना सम्मान की, ना सुख की ना दुख की, मीरा का ये संभाव, ये भक्ति की शक्ति थी जो उसे अनूठी चाल चला गई। और सजनों, आज इसी भक्ति की शक्ति का एक सुंदर सा उदाहरण, एक पक्ष आप इस मंच पर देखने जा रहे हैं। श्री महाराज जी ने स्वयं मीरा के इस क्रांतिकारी पक्ष को अपने शिष्यों और शिष्याओं को सुनाया था और इसका मंचन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। आप देखेंगे कि जीव गोस्वामी, जो कि है तो कृष्ण के भक्त, परंतु नारी का दर्शन संन्यास में अड़चन समझते हैं, उन्हीं जीव गोस्वामी को मीरा किस प्रकार अपने अकाट्य तर्कों से हरा देती हैं। उपनिषदों का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि समस्त ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में तो केवल मात्र एक कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी तो हम सब नारियां ही हैं। फिर आप किस नारी का विरोध करते हैं? जिस कृष्ण की आप पूजा करते हैं, उनके संग खड़ी राधिका जी, वो भी तो एक नारी है। फिर बताइए गोस्वामी जी, आप किस नारी का विरोध करते हैं? पुरुष प्रधान समाज में उस समय मीरा का ऐसा बुलंद क्रांतिकारी उद्घोष, ये भक्ति की शक्ति थी, ये थी सही मायनों में नारी सशक्तिकरण। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट वॉज द एब्सोल्यूट विमेन एम्पावरमेंट पार एक्सीलेंस। परंतु यहां एक विडंबना है। विडंबना ये कि आज की समाज, आज की सोसाइटी जब जब भी विमेन एम्पावरमेंट की, नारी सशक्तिकरण की, फेमिनिज्म की बात उठाती है, तो आज समाज क्या सोच रखता है? एक बहुत बड़े स्कल्प्टर हुए माइकल एंजेलो, आपने भी नाम सुना होगा, अनेकानेक मूर्तियां गढ़ी और उन्हीं मूर्तियों में से उन्होंने अपनी कुछ कृतियां एक्सक्लूसिवली नारी को डेडिकेट कर दी, जिसमें उन्होंने नारी को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दिखाने का प्रयास किया। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल यानी थी तो वो नारी की मूर्ति, परंतु उसमें पुरुषत्व की छाप छोड़ दी गई, यानी उसके सुडोल बाइसेप्स बना दिए, चौड़े कंधे कर दिए, गठीला शरीर, मैनली फिजिक, मैनली ट्रेट्स उन मूर्तियों में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि माइकल एंजेलो ये कहना चाहते थे, समाज को बताना चाहते थे कि नारी भी पुरुषों से कम नहीं है, उसमें भी पुरुषों जैसी ही शक्ति है। सजनों, सुनने में, देखने में, समझने में ये बात बड़ी अच्छी सी लगती है, परंतु आपको बताएं, ये पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न माइंडसेट। आज की सो कॉल्ड एलीट क्लास जब जब भी विमेन एम्पावरमेंट की या फेमिनिज्म की बात करती है, तो वो नारी को पुरुषों के समान स्तर पर लाकर खड़ा करने का प्रयास करती है, मेन एंड वेमेन आर इक्वल, ऐसे नारे बुलंद करती है। परंतु हमारी भारतीय संस्कृति, भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति इसके लिए तो, इसके अनुसार तो ये परिभाषा बहुत ही गौन है, बहुत ही बोनी परिभाषा है। एक बार श्री महाराज जी हमें वेमेन कॉन्फ्रेंस के लिए एक लेक्चर तैयार करा रहे थे, तो उस समय श्री महाराज जी ने बताया था, महाराज जी ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति ने तो नारी सशक्तिकरण की एक बहुत ही ऊंची और विराट परिभाषा रखी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, शक्ति रूपेण, कि नारी में पुरुषों जैसी शक्ति है इसलिए वो सशक्त नहीं है, बल्कि नारी तो है ही शक्ति का रूप, शक्ति रूपेण। नारी में पुरुषों जैसा पुरुषत्व है इसलिए वो सबल नहीं है, बल्कि नारी तो है ही सबलता का पर्याय। नारी तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हमारे उपनिषदों ने, हमारी वैदिक संस्कृति ने जब जब भी शक्ति का आह्वान किया, तो उन्होंने देवों की नहीं, देवी की उपासना की, देवी माँ की आराधना की। इसलिए नारी इज इक्वल टू शक्ति, नारी सशक्तिकरण की ये इक्वेशन हमारी भारतीय संस्कृति ने इस समाज को दी है। और हम अपनी वैदिक नारियों को देखें, एक वो नारी थी सावित्री, जिसने यमराज की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि मैं अपने पति सत्यवान को तुम्हारे पास से छुड़ा कर ले जाऊंगी, और ले भी आई। एक वो नारी थी माँ सीता,
जिन्होंने एक तिनके की ओट में खड़े होकर लंकेश रावण को ये चेतावनी दे डाली थी कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वहीं जलकर भस्म हो जाओगे। रावण उस तिनके को हटाकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ये थी आत्मशक्ति से भरी नारियां, एक वो नारियां थी जो बड़े से बड़े युद्धों को लड़ा करती थी। रानी सत्यभामा श्री कृष्ण का साथ देती, सुभद्रा अर्जुन की सारथी बनती और उसे बड़े से बड़े युद्ध में विजयश्री दिलाया करती। सजनों, ये शारीरिक बल की धनी नारियां थी। एक वो नारियां थी वैना और धारिणी, जिन्होंने अपने बौद्धिक शक्ति के आधार पर अनेक आविष्कार किए, अपने समय की हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट कहलाई। वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ एग्जाम्पल्स, आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं। सती दुर्गावती, मुगलों ने आक्रमण किया, वीरांगना की भांति लड़ी, परंतु अगर जीत नहीं मिली तो अपने ही हाथ में कटार लेकर अपने ही वक्ष में घोप दी। सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ मृत्यु का आलिंगन किया, परंतु अपने शील को भंग नहीं होने दिया। रानी पद्मावती के जौहर को कौन नहीं जानता। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह लोकगीत फैल गया था, जाग उठी चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की भीषण ज्वाला, हंसते हुए चरित्र रक्षा हेतु कूद पड़ी क्षत्रिय बाला। सजनों, ये चारित्रिक शक्ति की, चारित्रिक ओज की धनी नारियां थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही थी जिसकी वैदिक नारियां अनेक शक्तियों की स्वामिनियां थी। परंतु यहां एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये कि क्या केवल आज इन नारियों को, वैदिक नारियों को याद भर कर लेने से आज की नारी भी सशक्त हो जाएगी, क्या उसके अंदर भी वो शक्तियां प्रकट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ही गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने जब जब भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से नारी समाज को संबोधित किया तो उन्हें केवल नारी शक्ति की याद भर नहीं दिलाई, बल्कि उन शक्तियों को प्रकट करने का एक सर्वोत्तम सूत्र हाथ में पकड़ा दिया। श्री महाराज जी ने बताया, समझाया कि हम सब के भीतर एक दैवीय तत्व विद्यमान है जो आज सुषुप्त अवस्था में है। जरूरत है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उस दैवीय तत्व को जागृत करने की। He gave a formidable equation that the awakening of cosmic element is equal to the establishment of supreme strength in women. कि जब ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से नारी के भीतर का वो दैवीय तत्व जागृत होगा तब उसका आत्मविश्वास जागेगा, और जब नारी के भीतर का आत्मविश्वास जागेगा तब उसके भीतर का सर्वोत्कृष्ट शौर्य समाज के समक्ष प्रकट हो जाएगा। इसलिए सजनों, सबसे पहले आवश्यकता है आज की नारी को उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ने की, आत्म दर्शन करने की, साक्षात्कार करने की, और फिर उसके भीतर की वह दैवीय शक्तियां, वो आध्यात्मिक शक्तियां अपने आप प्रकट हो जाया करती हैं। इसी का बहुत ही सटीक और ज्वलंत उदाहरण रही रानी लक्ष्मीबाई। हम में से किसने नहीं सुना होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसे मर्दानी कहा, शक्ति साहस शौर्य की ऐसी अजय साधिका जिसके बुलंद हौसलों को पूरा का पूरा ये ब्रिटिश एम्पायर मिलकर हिला नहीं पाया था, झुका नहीं पाया था, डिगा नहीं पाया था। परंतु जानते हैं, ऐसी एम्पावर्ड विमेन, इसकी शक्ति का भी आधार क्या था। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से हमने ये प्रश्न पूछा था। हमने कहा, महाराज जी, रानी लक्ष्मीबाई वो तो एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी बच्ची थी, फिर उसके भीतर ऐसा गजब का शौर्य, ऐसा गजब का साहस कैसे? उस समय श्री महाराज जी ने बताया था कि उसकी शक्ति का आधार भी आत्म जागृति ही था। आज शायद इतिहासकारों के लिए ये एक रहस्य की बात है, या कह सकते हैं कि अगर वे जानते भी हैं तो उन्होंने इस रहस्य को समाज के समक्ष प्रकट करने की जरूरत नहीं समझी। परंतु श्री महाराज जी ने
इस रहस्य को सात पर्दों से बाहर निकाला। श्री महाराज जी ने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई के भी एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की थी। आत्मदर्शन कर अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर लिया था। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये उसके गुरुदेव की आज्ञा ही थी कि वह अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए मर्दानी बनकर डट गई, अंतिम क्षणों तक, अंतिम श्वासों तक लड़ती रही। आज इतिहासकारों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई उसकी शहीद देह तक अंग्रेजों के हाथ नहीं लग पाई थी और किसी हर्मिट ने, किसी सन्यासी ने उसका अंतिम संस्कार किया था। परंतु वे सन्यासी कौन थे जानते हैं? वे सन्यासी कोई और नहीं, वे उसके गुरुदेव थे। श्री महाराज जी ने बताया था कि अंतिम क्षणों में लहूलुहान रानी दौड़ती हुई अपने सतगुरु की कुटिया तक पहुंची थी और उनके श्री चरणों में जाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और फिर वो उसके सतगुरु ही थे जिन्होंने अपनी वीरांगना शिष्या का पूरे गर्व के साथ, पूरे गर्व से भरकर अंतिम संस्कार किया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई जो कि शक्ति, साहस और शौर्य की एक धधकती मशाल बनी, उनकी शक्ति का आधार भी अध्यात्म ही था। सतगुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ही थी, आत्मशक्ति थी। भाइयों और बहनों, एक बार फिर से ये समय चक्र घूम चुका है। एक बार फिर से ये समाज नारियों से उसी ओजस्विता, उसी तेजस्विता की अपेक्षा कर रहा है। हम में उसी आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करना चाहता है जिससे सही मायनों में नारी सशक्तिकरण की एक नारी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सके। इसलिए इसी आशा को पूर्ण करने के लिए श्री महाराज जी ने संस्थान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारियों की सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हुए एक नारे का बुलंद किया है, एक नारे का आह्वान किया। या कह सकते हैं कि श्री महाराज जी ने एक भविष्यवाणी कर दी। और वो क्या भविष्यवाणी है? वो भविष्यवाणी महाराज जी ने कही, अपने पीयूष अनुदानों का जन जन को पान कराएगी, अपने पीयूष अनुदानों का जन जन को पान कराएगी, आएगा वह ब्रह्म मुहूर्त जब नारी सतयुग लाएगी, जब नारी सतयुग लाएगी। बहनों, इस युग परिवर्तन का कार्यभार श्री महाराज जी ने नारियों को सौंपा है। इसलिए आइए आइए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें, अपनी सोई हुई शक्तियों को एक बार फिर से सतह पर ले आए, उभार कर ले आए। और उसके लिए मीराबाई हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। तो आइए उन्हीं के जीवन का एक बहुत ही सुंदर और एक क्रांतिकारी पक्ष इस अगली प्रस्तुति के माध्यम से देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं और मीराबाई के जीवन से प्रेरणा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो बोलिए, भक्तिमती माँ मीरा की, क्रांतिकारी मीरा की, श्री कृष्ण बलदेव की, सांचे दरबार की।